महिला, युवा, गरीब, किसान सबको नए बजट में उम्मीद की किरण दिखती है, ताकि उनका घर परिवार दिनचर्या का कभी बजट न बिगड़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस युवा, किसान, महिला और गरीबों पर है। ये चारों प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ये अंतरिम बजट था, लेकिन बजट में क्या है खास, आइए जीएफएक्स के जरिए आपको बताते हैं। जिलों में विकास, महत्वाकांक्षी जिलों को विकास यात्रा में शामिल किया जाएगा। पूर्वोत्तर, लोगों को भारत के विकास यात्रा का अहम अंग बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्षों में बनने जा रहे हैं। रूफटॉप सौर ऊर्जा, 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। व्हीकल की चार्जिंग, व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना होगी। मध्यम वर्ग के लिए आवास, नया घर खरीदने या बनाने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य ढांचे का ही इस्तेमाल करते हुए और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, 9 से 14 साल के बच्चों को इसका टीका लगाया जाएगा। मातृत्व और बाल विकास, आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। आयुष्मान भारत, आंगनवाड़ी कर्मियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। कृषि किसान, 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान के लाभार्थियों को बजट से सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभों यानी कि युवा, गरीब, महिला और किसानों को ताकत देगा। देश के भविष्य के निर्माण का बजट है ये। 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। वही विपक्षी दलों ने इस बजट को निराशाजनक करार दिया है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट में 0 मिला है। तो क्या अब ये समझा जाए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष बजट को मुद्दा बनाकर अपने पक्ष में सेट करने की कोशिश कर रहा है। बजट के बहाने 24 के लोकसभा चुनाव का माहौल तैयार किया जा रहा है।